हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएस होम डिजाइन के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 35 फीट इंटू 43 फीट ईस्ट फेसिंग घर का डिजाइन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 35 फीट इंटू 43 फीट में बनाया गया डिजाइन है। इसके अंदर में क्या क्या है वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको 3D में दिखाऊंगा। उसके बाद इसका यहाँ पे आपको नक्शा भी दिखाने वाला हूँ। नक्शा में सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बेडरूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, जो भी साइज वगैरह है वो आपको नक्शा में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका एलिवेशन देख लीजिए, किस तरह का सामने का डिजाइन है, साइड का डिजाइन किस तरह का है, वो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद इसका नक्शा और इसके अंदर में क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उस डिजाइन का नक्शा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इसकी चौड़ाई 35 फीट है और इसकी लंबाई 43 फीट है और फ्रंट इसका ईस्ट है, यानी ईस्ट फेसिंग ये नक्शा है और सामने इसका रोड हो जाता है और ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक पोर्टिको दिया गया है जिसका साइज 14 फीट 2 इंच बाई 14 फीट का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेन डोर हो जाता है। मेन डोर से जैसे ही अंदर आते हैं तो आप बरामदा में चले जाते हैं। बरामदा का साइज यहाँ पे देख लीजिए, 13 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 6 इंच है। दोस्तों, बरामदा के सामने ही एक गेस्ट रूम दिया गया है 12 बाई 11 फीट 6 इंच का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस डोर से अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद सामने एक नॉर्थ ईस्ट साइड में एक पूजा रूम मिल जाता है जिसका साइज है 7 फीट बाई 4 फीट। उसके बाद इसके सामने एक बेडरूम जिसका साइज है 12 फीट बाई 11 फीट 4 इंच। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइड में एक सीढ़ी मिल जाता है। इस तरह से ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे स्टेप 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सामने देख सकते हैं, एक डाइनिंग हॉल मिल जाता है जिसका साइज 13 फीट 4 इंच बाई 15 फीट 8 इंच दिया गया है। और डाइनिंग हॉल के सामने एक किचन दिया गया है जिसका साइज 7 फीट 6 इंच बाई 8 फीट का दिया गया है। उसके बाद एक यूटिलिटी एरिया दिया गया है यहाँ पे 3.5 फीट का। इससे यहाँ पे एक विंडो दे देंगे और इधर से लाइट वगैरह डाइनिंग हॉल में आती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, एक बेडरूम दिया गया है 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 8 इंच का। और यहाँ पे देख लीजिए, एक टॉयलेट कंबाइन बाथरूम है जिसका साइज 5 फीट बाई 9 फीट 5 इंच का दिया गया है। और एक अलग से टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज 4 फीट बाई 4 फीट 2 इंच का दिया गया है। और यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है जिसका साइज 12 फीट बाई 13 फीट 8 इंच दिया गया है। दोस्तों, इस तरह का डिज़ाइन बनवाने के लिए पीछे भी कुछ जगह छोड़ना होगा। पीछे नहीं भी छोड़ते हैं तो दोनों साइड कम से कम 1.5 से 2 फीट छोड़ना होगा और सामने में कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा ओपन पार्किंग के लिए, तब इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कैसा लगा डिज़ाइन। तो चलिए अब इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसका डिज़ाइन देखा और नक्शा भी देखा, तो चलिए अब इसके अंदर में इसका टॉप व्यू देखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मेन गेट। मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे ये पोर्टिको है और इस साइड पार्किंग ओपन पार्किंग हो गया और यहाँ पे ये गार्डन वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इधर से अंदर आ जाएंगे, अंदर बरामदा में आ जाएंगे। बरामदा में आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे एलईडी यूनिट वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बरामदा के सामने ही एक गेस्ट रूम दिया गया है, देख लीजिए ये गेस्ट रूम हो गया। और इस डोर से अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे आप कर्टन वगैरह लगा सकते हैं। यदि कोई गेस्ट यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा तो यहाँ पे कर्टन लगा सकते हैं, या नहीं तो आप डोर देना चाहते हैं तो डोर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सामने एक पूजा रूम दिया गया है इस तरह से नॉर्थ ईस्ट साइड में। और यहाँ पर एक आपको बेडरूम दिया गया है और इधर एक बेडरूम दिया गया है।
जैसा कि आपने नक्शा में देखा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वाला टॉयलेट दिया गया है और इसमें टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम बन जाएगा जैसा कि हमने नक्शा में देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला बेडरूम हो गया और ये किचन हो गया और इस साइड में यूटिलिटी एरिया देख लीजिए, यहाँ पे यूटिलिटी एरिया हो गया, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और यहाँ पे एक विंडो हो जाएगी तो इससे लाइट वगैरह इधर डाइनिंग हॉल में आती रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हॉल अंधेरा नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक यूटिलिटी भी दिया गया है ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सामने किचन है और स्टेयर यानी सीढ़ी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ेंगे और यहाँ पे अंदर से डोर दिया गया है और इधर से आकर के ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा, कैसा लगा डिज़ाइन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि इसी तरह का डिज़ाइन आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।